और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अगली सुनवाई की तारीख 12 फरवरी तय की है। ये सुनवाई ज्ञानवापी परिसर में हिंदू पक्ष द्वारा दावा किए गए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की रिपोर्ट पर हो रही है। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार दिए जाने के लिए जिला जज के आदेश के खिलाफ सुनवाई जारी रही। अदालत में ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की संशोधन अर्जी स्वीकार कर ली थी और मंगलवार को सुनवाई हुई थी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ कर रही है। तो हमारी उनकी तरफ से ये प्ली आई कि साहब वो जो डिस्ट्रिक्ट जज ने ऑर्डर पास किया है, जिसको हम लोगों ने कहा है कि गैर कानूनी है, उस वो ऑर्डर जो 17(1) का और 31(1) का है, वो ऑर्डर सेक्शन 151 और 152 CPC के तहत ऑर्डर पास किया गया। उसी पे रिप्लाई दिया और ये बताया कि 151-152 की पावर जिन हालात में एक्सरसाइज की जानी चाहिए थी वो हालात थे ही नहीं। न कोई एप्लीकेशन पड़ी, न कोर्ट ने अपने से सुओ मोटो कोई एक्शन लिया कि साहब गलती से कोई ऑर्डर में कोई बात आ गई उसको करेक्ट किया जाए। तो ये एक ऑर्डर ऐसा ऑर्डर है हुआ, सिर्फ इन्होंने कहा और उन्होंने मान लिया, इसके ऊपर ये पूरा ऑर्डर हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में ये ऑर्डर को सेट असाइड किया जाना चाहिए।